ये ड्यूएल है, तो चलते हैं अभी वायरिंग स्टार्ट। हैं कि 220 वोल्ट ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल हमने दे दिया। अब हमारा फेस ओनली पेंडिंग है, तो हमने उसी की वायरिंग सीखनी है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल डायरेक्ट दे दी गई है। अभी जो मेन लॉजिक बनेगा ड्यूएल का वो फेस से और लूप करने के बाद ही आप बनेगा, तो चलते हैं। तो तार की लूपिंग मैंने कर ली है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम उठाएंगे ऑफ की वायर। ऑफ़ की वायर के लिए उसके साथ हमें ऑफ़ का इंडिकेटर भी ऑन करना है, तो मैंने ये लूपिंग कर ली है। तो हम यहाँ पे एक NO पॉइंट है, एक NC पॉइंट है, तो हम यहाँ पे दोनों
इसको हमने डीपी से उठाया, उठा के ओवरलोड लेके एनसी पॉइंट पे, और उसके बाद एनसी पॉइंट से निकाल के, दूसरे एनसी पॉइंट से निकाल के हमने कॉमन कर दिया एनसी को ऑफ पुश बटन के एनसी एलिमेंट को और ऑन के पुश बटन के एनओ एलिमेंट को, और वहीं से हमने ऑफ की तार से लूप उठा के ऊपर एनओ पॉइंट पे दे दिया, और सीधी ऑफ की ऑन की तार ए वन से उठा के हमने इसको एनओ पे शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट हो रही है, जब ये ऑन हम इसको करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट एनसी बन जाएगा, तो एनसी से ऑफ की पुश बटन से जो एनसी पॉइंट है उससे परमानेंट सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से जाके ये सीधा इसको ए वन पे देगा। तो यहाँ से एनसी पॉइंट बना हुआ है तो ये परमानेंट इसको फेस देता रहेगा, न्यूट्रल इसको डायरेक्ट मिल गया, 220 इसको पहुंच रही है, तो ये परमानेंट होल्ड हो जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करके देखते हैं। तो अभी हम डीपी को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद दिख रहा होगा गाइस आपको कि इंडिकेटर हमारा ऑफ का ऑन हो चुका है, क्योंकि अभी ये ऑफ पोजीशन पे है। तो अभी मैं इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से ऑन का इंडिकेटर रन हो गया और ये हमारा कॉन्टैक्टर भी लग चुका है। तो यहाँ से अब इसके एनसी में से परमानेंट सप्लाई पास होके एनओ में ए वन पे जा रही है, जिसके कारण ये कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुका है। तो जैसे हम ऑफ का बटन दबाएंगे सप्लाई कट हो जाएगी, सप्लाई यहाँ से इसको सप्लाई पास करना बंद कर देगी, क्योंकि ये तो एनओ पॉइंट है, ये एक बार ही पुश करने पे इसको करंट पास करेगा और उसको एनसी बना के परमानेंट सप्लाई पास करके ए वन पे पहुँचा देगा। तो अभी जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और यहाँ से सप्लाई ए वन को जाना बंद हो जाएगी, जिसके कारण ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। तो दबाते बटन, दबाने से ये देखिए गाइस कॉन्टैक्टर बंद हो चुका है। तो यही सिंपल फंडा है ड्यूएल का, तो आप भी इसको देख के इजीली बना सकते हैं। देखिए ऑन और ये ऑफ, ऑफ हो जाएगा। जैसे हम इसको ट्रिपिंग का भी देख लेते हैं, तो जैसे ये ट्रिप होगा कॉन्टैक्टर पूरा बंद हो जाएगा, सप्लाई हमारी सारी बंद हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसके एनसी से प्रोटेक्शन दे रखी है। तो उसके लिए हमें फिर से शुरू से हमें चलाना पड़ेगा रीसेट करके, उसके बाद देखिए रीसेट करने के बाद हमारा फिर से सप्लाई आनी स्टार्ट हो गई है। अब हम फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो ये रन पोजीशन पे हो जाएगा, कॉन्टैक्टर होल्ड हो गया, और जैसे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ को इंडिकेटर की लाइट जल। तो इसी टाइप जैसे गाइस ये 220 वोल्ट का कॉन्टैक्टर ले रखा है मैंने, इसी में 110 वोल्ट का भी हो सकता है और 24 वोल्ट का भी हो सकता है। 110 और 24 वोल्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने इसके लिए 220 वोल्ट प्लस न्यूट्रल यूज करा इसके A1 A2 के लिए, तो A1 A2 के लिए हमने 220 और न्यूट्रल यूज करा, तो वैसे ही 110 वोल्ट में कॉन्टैक्टर में हमें क्या करना पड़ेगा, 110 वोल्ट और 0 वोल्ट हमें सर्किट कंप्लीट करवाना है A1 A2 के लिए, कॉन्टैक्टर के A1 A2 के लिए। तो A1 A2 के लिए 110 और 120 वोल्ट सेम डायग्राम ऐसे रहेगा, और 24 वोल्ट के लिए 24 वोल्ट प्लस 0 वोल्ट, उसके A1 A2 पे 24 वोल्ट और 0 वोल्ट जाएगा। तो उसके लिए हमें 0 वोल्ट हमेशा A2 पे, चाहे 110 का हो चाहे जो 24 वोल्ट का हो, तो 0 हमेशा हमारी A2 पे डायरेक्ट चली जाएगी। जो हमारा मेन सर्किट बनेगा वो हमारा 24 वोल्ट 110 और 220 के बीच में बनेगा, चाहे आप इसका भी बना सकते हैं लेकिन ज़्यादा हम मोस्टली यही यूज़ करते हैं। तो इसके लिए कॉन्टैक्टर चाहे जो भी हो सर्किट डायग्राम सेम है, और जैसे हमने इसको न्यूट्रल A2 पे डायरेक्ट दिया है वैसे 0 वोल्ट A2 पे डायरेक्ट देना, चाहे आप A1 पे दो चाहे A2 पे दो, तो ऐसे ही 0 हमारी डायरेक्ट चली जाएगी। उसके बाद जो मेन सर्किट बनेगा हम 24 वोल्ट 110 या 220 में हम सेम एज इट इज ऐसे ही बनाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो करना क्या है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। तो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो प्लीज़ दबा के शेयर कीजिए। और हाँ, अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो, इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड, BFD के रिलेटेड। तो ऐसे ही मैं और कल को नई वीडियोस लेके आऊँगा। कल हम सीखेंगे स्टार डेल्टा बनाना, उसके बाद
BFD में हम कैसे उसको रीसेट, थ्री वायर, कुछ भी एनीथिंग, जो भी उसमें रहता है वो हम कल डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके, डे बाय डे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।